हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, हम देखने वाले हैं फुल मून पर आपके पार्टनर की एनर्जीज में क्या चेंजेस आए। ठीक है, वैसे काफ़ी ज़्यादा ही समझदार हैं आपके पार्टनर। आप समझ रहे हैं ना मैं क्यों कह रही हूँ? एक जनरल रीडिंग होगी, हो सकता है कुछ बात आपके साथ रेजोनेट ना हो, टाइमलेस होगी तो जब भी आपके सामने आएगी आप देख सकेंगे। वैसे तो ये रीडिंग फुल मून के ऊपर है, लेकिन इससे आप रीडिंग जब भी सामने आएगी देखेंगे, कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको ज़रूर मिलेगी। ओके, तो ये रीडिंग सभी जोडियक साइन के लिए हैं। आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप में हैं, सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। आपके पार्टनर को मैंने समझदार इसीलिए कहा, उनको समझदार उस तरह से नहीं कहा कि वो समझदार हैं, उनमें बिल्कुल अकल नहीं है, ये मैंने कहा। पता नहीं क्यों कार्ड हाथ में लेते ही मुझे ये चीज़ लगी, तो मैंने कह दिया। आप ये कहेंगे मैम आप हमारे पार्टनर को ऐसे क्यों बोल रहे हैं, आप लोग इतने प्यारे हैं, आपको कोई कैसे तकलीफ दे सकता है। इसलिए मैंने आपके पार्टनर को कहा कि वो गलत तरह से समझदार हैं कि उन्होंने आपको छोड़कर किसी और को चूज़ किया। लेकिन आज की एनर्जी थोड़ी अलग है कि मैं मुझे लग रहा है आपके पार्टनर की एनर्जीज़ कुछ ज़्यादा ही चेंज होने वाली है। क्वीन ऑफ कप्स, साथ में आपकी एनर्जीज भी हम चेक करेंगे। ओके, और देखते हैं आपके आपको नेक्स्ट फुल मून तक ऐसा क्या है जिन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके ओके, अगर आपको लगता है इस रीडिंग में कोई भी गाइडेंस ऐसी मिलती है आपको, तो आप उसको अपनी लाइफ में अप्लाई ज़रूर करें। ठीक है, और रीडिंग आज बहुत अलग तरह से शुरू हुई है। टेन ऑफ कप्स, मैंने अभी आपको कहा था कि आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ तो, आपके पार्टनर की फीलिंग्स में इस फुल मून से लेकर अगले फुल मून तक कुछ तो बड़े चेंजेस आने ही वाले हैं। और आपको किन बातों का ख्याल रखना है ये मैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर आज हम सिर्फ बात करेंगे आपके पार्टनर की क्या चेंजेस आ रहे हैं फीलिंग्स में, और थर्ड पार्टी के साथ उनका रिश्ता वैसे ही रहने वाला है या उसमें कुछ हो सकता है। ओके, द लवर्स, ठीक है, सिक्स ऑफ वांड्स, नाइन ऑफ वांड्स, एट ऑफ सोर्ड्स के साथ में है नाइन ऑफ वांड्स, प्रिंसेस ऑफ कॉइंस, वाओ, ठीक है, द स्टार, टेम्परेंस, ओके। अगर आपके पार्टनर की बात करूँ तो फुल मून पर आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं। ये फुल मून उनकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस लेकर आएगा। ओके, यहाँ पर आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में झगड़े होना शुरू हो जाएंगे। मुझे लग रहा है मार्च निकलने तक आपके पार्टनर के और थर्ड पार्टी के बीच में काफ़ी ज़्यादा झगड़े होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है आपके पार्टनर से। कहीं ना कहीं जो आपके पार्टनर, ओके, द हायरोफेंट, ओके, आपके पार्टनर की बहुत गंदी आदत थी कि वो सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत करते थे, या फिर आपके पार्टनर ऑफिस में थे या स्टूडेंट भी थे, जो भी आपके पार्टनर थे वो बहुत ज़्यादा फ्लर्टी थे, इजीली बहुत सारे लोगों के साथ बात करना शुरू कर देते थे। ठीक है, यही रीज़न आपके साथ भी था। सच कहूँ तो यही हरकत वो थर्ड पार्टी के साथ करें, थर्ड पार्टी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा शक कर रही है। ठीक है, थर्ड पार्टी यहाँ पे बहुत ज़्यादा शक तो कर ही रही है, पूरे टाइम आपके पार्टनर को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करती है, उनके साथ ऐसे बिहेव करती है कि वो आपके पार्टनर उनके, मतलब जैसे एक रिलेशनशिप की तरह नहीं है, अपने पार्टनर को, आपके पार्टनर को कंट्रोल में रखना और उसके ऊपर नज़र रखना, शक करना, जो चीज़ें आपने की थी थर्ड पार्टी के आ जाने पे, थर्ड पार्टी वही सारी चीज़ें कर रही है आपके पार्टनर के साथ। तो उन्हें एहसास होना शुरू हो जाएगा इस बात का कि जब तक कोई पर्सन किसी के ऊपर शक नहीं करता है, जब तक सामने वाला इंसान गलत नहीं कर देता है, ठीक है, तो यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर शक किया जा रहा है, उनको कंट्रोल किया जा रहा है। ठीक है, उनकी एनर्जीज़ आपके पार्टनर के इस तरीके की हैं कि वो परेशान हो चुके हैं, थर्ड पार्टी हर जगह हर बात में उनको टोकती रहती है। तो आने वाले फुल मून तक मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर के थर्ड पार्टी के साथ में झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और सेपरेशन हो जाएगा। हालाँकि थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट दे चुके थे, ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर भी थोड़े से ईगोइस्टिक हो चुके हैं, या फिर पहले से ही थे आपके पार्टनर, उन्हें ये चीज़ ज़्यादा पसंद नहीं आएगी उन दोनों के बीच में। यहाँ पर एट ऑफ सोर्ड्स, बातचीत बंद हो जाएगी बहुत जल्दी, जो कमिटमेंट लिया था वो भी आपके पार्टनर, जब आपको दिया हुआ कमिटमेंट आपके पार्टनर तोड़ सकते हैं, तो थर्ड पार्टी उन्हें दिया हुआ कमिटमेंट या
आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को कमिटमेंट दिया था, शादी तक का प्रॉमिस कर लिया था, तो वो सारे उलझन है ना उनके उनके रिश्ते में शुरू हो जाएगी इस फुल मून तक, मुझे ऐसा लग रहा है। पता नहीं, ये बहुत अलग एनर्जी है, लेकिन मुझे आज पता नहीं क्यों इन कार्ड से यही चीज़ें लग रही है। जब भी मैंने डेक हाथ में लिया था तब से मुझे यही एनर्जीज मिलना शुरू हो गई थी कि कुछ तो आपके पार्टनर की ज़िंदगी में और थर्ड पार्टी में अलग चल रहा है। हालांकि मुझे ये देखना था रीडिंग में कि आपके पार्टनर की क्या सोच बनेगी फुल मून के ऊपर, आपके पार्टनर आपके आपके लिए आपके पार्टनर क्या सोचना शुरू करेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही कार्ड्स निकल कर आए हैं। ओके, तो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में कुछ डिफरेंसेस थे, आपको ऐसा लगा कि अरे ये सारी चीज़ें अगर मेरे साथ होती तो मेरा पार्टनर तो मुझे छोड़कर चला ही जाता है, उसने बिना किसी रीज़न के मुझे छोड़ दिया है। वो पर्सन हर चीज़ में अलग हो सकता है, आपके जो पर्सन हैं वो किसी मैरिड पर्सन से डील करना शुरू कर दिए हों, उन दोनों के बीच में एज गैप है, कुछ इस तरीके की एनर्जीज हैं। हाँ, यहाँ पर साफ तौर पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में बहुत सारे झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स होने वाले हैं और आपके पार्टनर लौट कर वापस आपके पास आएंगे। अब बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं दी काफ़ी समय से आप ये बात कह रही हो, तो काफ़ी सारे कॉमेंट भी तो आते हैं, मेल करते हैं लोग मुझे। ओके, चलिए, आपके पार्टनर को समझ तो आ ही जाएगा इस फुल मून के ऊपर कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, आपको छोड़कर थर्ड पार्टी के साथ बातचीत करना शुरू कर दी, आपको छोड़कर थर्ड पार्टी को कमिटमेंट दिया। ओके, उस कमिटमेंट में आपके साथ कितने खरे उतरे थे आपके पार्टनर ये तो नहीं पता, लेकिन आपको डेट करते करते ही वो थर्ड पार्टी के अंदर चले गए थे, उसके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, आप वो चीज़ें देख रहे थे, सोशल मीडिया पे भी आपके पार्टनर के वीडियोस थे, बाकी लोगों से भी आपको यही पता चल रहा था कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा खुश है। लेकिन ना, जो इंसान किसी एक पर्सन के साथ खुश नहीं रह सकता, वो किसी दूसरे पर्सन के साथ भी खुश नहीं रह सकता, और वो थर्ड पार्टी किसी और पर्सन को भी छोड़कर आई थी ना, मुझे उसका एक्स उसकी लाइफ में वापस आते हुए फील हो रहा है। पता नहीं क्यों, एक चैनल मैसेज है, मैं इतने आगे तक नहीं देख रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो थर्ड पार्टी जो है आपके पार्टनर के ऊपर भी शक कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके आपके पार्टनर का दिमाग भी आपकी तरफ आ रहा है, कुछ लव ट्रायंगल से बन रहा है यहाँ पर आज की रीडिंग में। ओके, ठीक है, तो आपके पार्टनर ने काफ़ी अच्छा समय गुजारा था, दोनों एक साथ बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन उनके रिश्ते में जब वो दूसरों को तकलीफ देते हैं तो ऊपर वाला कहीं ना कहीं किसी को भेज देता है, उनके रिश्ते में भी तकलीफ मतलब प्रॉब्लम्स आ ही जाती हैं, तो आमतौर पर नॉर्मल सी बात है। लेकिन आने वाले समय में आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के उसमें अच्छा खासा झगड़ा तो होगा ही, साथ में आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को ये कह देंगे कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये साफ तौर पर क्लियर हो जाएंगी चीज़ें कि आपके पार्टनर वापस आके आपको कमिटमेंट देंगे। और आप ये कार्ड देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत स्पार्कल एंड स्टार्स के साथ ये हार्ट शेप बन रहा हुआ है आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में वापस से आपका ना दिल अचानक से खुश हो जाएगा कि मेरी ज़िंदगी में, मेरी लव लाइफ में इतनी ज़्यादा खुशियाँ कैसे आ गई हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगे आप गॉड को हमेशा थैंक्स बोलें, ठीक है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं थर्ड पार्टी से, क्योंकि थर्ड पार्टी खुद जो भी चाहे करती है, लेकिन यहाँ पे आपके पार्टनर पे पूरी तरह से नज़र रखी जाती है, उसके ऊपर आपके पार्टनर के ऊपर कंट्रोल करना, आपके पार्टनर को आपके ऊपर अपने ऑर्डर्स डालना, ये सारी चीज़ें थर्ड पार्टी कर रही है। वहीं पर आपके पार्टनर को आपके साथ गुजारा हुआ वक्त बहुत ज़्यादा आ रहा है, जितना आप उन्हें प्यार देते थे, उनका साथ देते थे, वो सारी चीज़ें आपके पार्टनर को याद आ रही हैं। नेक्स्ट फुल मून तक मेरे हिसाब से आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी के साथ सेपरेशन हो जाना चाहिए। मैं चाहूँगी कि जल्दी ही आपके पार्टनर का आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़े, अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी चली जाती है आपके पार्टनर की लाइफ से तो जल्दी ही आप दोनों का रीयूनियन हो जाएगा, ये कोई कहने की बात नहीं है। हम कुछ कार्ड्स और लेते हैं जिससे हम देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए नेक्स्ट फुल मून तक। ओके, तो हमें डिवाइनली गाइड कीजिए नेक्स्ट फुल मून तक हमारे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ हमें बताएं अंजुल। होप, आपको होप रखनी है, लव एंड एक्सेप्टेंस, आपकी ज़िंदगी में प्यार तो आएगा और आपको एक्सेप्ट करना है सारी चीज़ों को, होप नहीं छोड़नी है ज़िंदगी में, सारी चीज़ें बहुत खूबसूरत हो जाएंगी। इसके बाद विजन गाइस, आपको है ना, मुझे ऐसा लग रहा है आप और आपके पार्टनर जर्नी में हैं, ये जर्नी में लोग अलग होते हैं वापस, ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं अलग हो जाते हैं फिर वापस एक हो जाते हैं, तो शायद वही टाइम आप दोनों का चल रहा है। आपको अपना विजन क्लियर रखना है, बिल्कुल फोकस्ड रहना है, ठीक है, लाइफ में हार्ट अवेकनिंग अवेकनिंग चल रही है शायद आपकी, ओके, या आपके पार्टनर की। खासतौर पर हम आपके लिए गाइडेंस निकाल रहे हैं, तो मैं आपके लिए बता सकती हूँ कि आपको जो भी चीज़ें लाइफ में हैं उनको एक्सेप्ट करना है,
अगर आप कोई भी ऐसी बात है जिसको आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आपको डर लगता है उस चीज़ को, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने में, आप एक्सेप्ट कीजिए और बैलेंस आएगा आपके लाइफ में, ठीक है। नेक्स्ट फुल मून तक मेरे हिसाब से आपको यही चीज़ें, होप नहीं छोड़नी है, अपना विज़न क्लियर रखना है। आपकी अवेकनिंग चल रही है तो आप नेगेटिव पॉजिटिव हो ही सकते हैं, तो इन चीज़ों पर ज़रा कंट्रोल रखें। कॉल टू एक्शन, आपके पार्टनर का कॉल तो रिसीव हो ही सकता है आपको, जब भी आपको ज़रूरत महसूस हो आप एंजल्स के साथ बात कर सकते हैं, उनसे आप हेल्प ले सकते हैं अपनी लाइफ के लिए, ओके, आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। अवेयरनेस, आपको अपने मन को शांत रखना है और अवेयर रहना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, नेगेटिव थॉट से दूर रहना है, ओके। इनर स्ट्रेंथ, आपको टूटना नहीं है, हारना नहीं है, परेशान नहीं होना है अपनी लाइफ से, ओके। तो ये बहुत खूबसूरत गाइडेंस आई है आप लोगों के लिए, ऊपर वाले पे बिलीव करें, ज़िंदगी में आगे बढ़ें और हमेशा खुश रहें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे जीमेल पे मेल कर सकते हैं, जीमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। हमेशा खुश रहें, बहुत सारी दुआएं और प्यार आप सभी के लिए, अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।